ये है हमारे देश के नौजवान, यानी हमारे देश का भविष्य, मुस्तकबिल, फ्यूचर, सब कुछ इन्हीं के कंधों पर टिका है। आज के दौर में मैं इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, खत्म हो जाएं ये उमंगें, ये सितम मत करना। बागबानों, नई शाखों को कलम मत करना। नई नस्ल, नई फसल, जिनके ऊपर देश और समाज की जिम्मेदारी है, आज अपनी राहों से भटक रही है। नशे की गिरफ्त में डूबी ये जनरेशन नेक्स्ट अपने वर्तमान को चंद पलों के लिए रंगीन बनाकर अपने भविष्य के साथ मौत का खेल खेल रही है। नशा ही हर जुर्म की मां है। इस फिल्म का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक सच्ची कोशिश भी है नशे के खिलाफ। शुक्र है हम कोशिश करने वालों में से हैं, तमाशा देखने वालों में से। मुंबई सपनों का शहर, यहाँ रोजाना हजारों लोग अपने अपने सपने लेकर आते हैं। ये शहर कभी किसी को मायूस नहीं करता, बशर्ते मेहनत और ईमानदारी। ये शहर अपनी कुछ खास चीजों के लिए मशहूर है, जैसे बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड, नाइट लाइफ, धार्मिक स्थल, कई खूबसूरत बीच और सी लिंक वगैरह वगैरह। इस शहर के दो खास पहलू हैं, एक तरफ आसमान को छूती हुई इमारतें, बड़े आलीशान शॉपिंग मॉल, तो दूसरी तरफ झोपड़पट्टी की बस्तियां, हजारों चालें और गंदगी। इन दोनों पहलू में कहीं ना कहीं छुपे हैं नशे के सौदागर, जो चंद सिक्कों की खातिर हमारी नौजवान नस्ल को खोखला कर रहे हैं। एक तरफ हाई प्रोफाइल रेव पार्टियां और डिस्कोथेक, जहां हर तरह के ड्रग्स और नशे के शिकार लड़के लड़कियां, और दूसरी तरफ झोपड़पट्टी और गंदगी में बैठे ये नशेड़ी, जिन्हें आम लोग चरसी, स्मैकी, गंजेड़ी या गर्द पीने वाले और ना जाने कितने अलग अलग नामों से बुलाते हैं। पर मुंबई की आम बोलचाल की भाषा में ब्राउन शुगर यानी गर्द पीने वालों को सिर्फ एक और एक ही नाम से बुलाते हैं, और वो है गर्दुल्ले। कौन है ये गर्दुल्ले और फिर ये गर्दुल्ले बने कैसे? नशे के शौक में, किसी मजबूरी में, या ड्रग्स डीलर के बुने गए लालच के जाल में फंस के? आज तक किसी ने कभी इस पहलू पर ना तो गौर किया और ना ही देखा, या फिर यूं कहिए कि कभी देखना ही नहीं चाहा। आखिर कौन है समाज में फैली इस बुराई का जिम्मेदार? हम, आप, हमारी सोसाइटी, या फिर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम? इस फिल्म के माध्यम से समाज में फैली इस बुराई की जड़ तक पहुंचने की हमने कोशिश की है। इसके पीछे की सच्चाई को दिखाने का हमने एक सच्चा प्रयास किया है, जिसका नाम है भाई। सलाम अलैकुम भाई। ला बेगला, हेलो भाई, चौका माल है कश्मीरी। ए बाबू फलुदा, चील से चालाकी। हाँ, जफर डोंगरी नाम है मेरा, क्या समझा? जफर डोंगरी। क्या हुआ भाई? हे जावेद साला, इत्र का खुशबू खराब कर दिया इसने। बहुत करीब था मंजर मेरे, मगर मैं बच निकला। था आस्तीन में ही खंजर, मगर मैं बच निकला। वो आग जिसने मोहल्ला जला दिया मेरा, वो थी मेरे ही अंदर, मगर मैं बच निकला। बाबू फलुदा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
शेर बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। वाह भाई वाह, वाह वाह भाई, मजा आ गया। डोंगरी, तेरे को कैसा लगा शेर? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। एक बात याद रखो, धंधा अच्छा हो या बुरा, हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। सफर डोंगरी नाम है मेरा, साला डोंगरी से शनपति करता। ये डोंगरी एक बार माफ करता है, दूसरी बारी साफ फिनिश। क्या है जावेद जी? भाई हाँ भाई। धंधा कैसा चल रहा है? भाई धंधा बहुत गंदा चल रहा है। क्यों भाई? एक ऑफिसर आया है, बहुत डेंजर है वो। क्या नाम है उसका? सावंत। इंस्पेक्टर सावंत। हाँ भाई। गोरेगांव स्टेशन। डोंगरी भाई फिक्र मत करो भाई, भरोसे का दूसरा नाम अशरफ खान है। हुकुम भाई। ठीक है भाई, काम हो जाएगा। ए, कौन से रास्ते से लेके जा रहा है तू? शॉर्टकट। कौन सा शॉर्टकट है ये? पुलिस स्टेशन। ए, ये तू कहां लेकर आया मुझे? तुझे मैंने गोरेगांव स्टेशन चलने के लिए बोला था, तू पुलिस स्टेशन लेके आया है? यही तेरा शॉर्टकट? सावन तुम? यही तेरी असली जगह है, चले। ए सावन, तेरी तो भैया जी के स्वागत की तैयारी करो, ले चले से। हैप्पी बर्थडे भाई। कहाँ हो लतीफ, कहाँ हो मेरे भाई? आखिरी बार अम्मा के जनाजे पे पुलिस वालों के साथ तुम्हें देखा था कब्रिस्तान के बाहर। इस बात को भी जमाने गुजर गए, हम तो मजबूर हैं। क्या तुम हमसे मिलने नहीं आ सकते थे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुमको, कैसे भाई हो? सलमा कितनी देर से तुमको आवाज दे। तो ये बात है लतीफ। सलमा कितनी बार बोला इसको भूल जाओ। क्यों भूल जाऊं? इसलिए भूल जाओ, ये लतीफ गर्दुल्ला हो चुका है, ड्रग एडिक हो चुका है। इसकी वजह से कितनी बदनामी होती तुम्हें पता है? जिस तरफ निकलो हर इंसान, सारी सोसाइटी ये बोलती है कि गर्दुल्ले का बहनोई जा रहा है, गर्दुल्ले का बहनोई जा रहा है। कोई ये नहीं बोलता कि लतीफ का बहनोई जा रहा है। इसको भूलना ही अच्छा है। कैसे भूल जाऊं, ये मेरा भाई है। अगर ये तुम्हारा भाई है तो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, समझी ना? अगर तुम इसको नहीं भूल सकती तो एक बात सुन लो, तो मुझे भूल जाना। अल्लाह हाफिज। मेरे भाई कहाँ हो? बोरीवली, कांदीवली, बोरीवली, कांदीवली, बोरीवली, कांदीवली, बोरीवली। बेड़ो, लगता है आज लंबा हाथ मार के आयला है। तेरे को पता नहीं साला, चलती लोकल ट्रेन में डंडे मार के मोबाइल गिराता है साला। टसे टमाटर मार ले बबलू मास्टर। बेड़ा इस दो मोबाइल से दो बूढ़ी मिलेगी। जब तक ये बबलू भाई है ना, तुम लोग साले ऐश करोगे अखा मुंबई में। ऐश ये देख, मोबाइल दिखा, दिखा रहा है, दिखा ना पहले बूढ़ी दे। इसमें वो है क्या, मलिका वाला? उसमें सब है,
सब है पूरा? सब पूरा। चल चल पुड़ी दे पुड़ी दे। वो इसको पुड़ी दे पुड़ी। इसमें सब है वे, मल्लिका भी है, पता नहीं कौन कौन देखता है। लगता है भाई कोई टपक गया है, एम्बुलेंस आई है। चल चल के देखते हैं। कोई चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ कैमरा 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 कैमरा। हम आपको बता दें कि यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कल से यहाँ सड़ रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस देश में, इस देश का दुर्भाग्य है कि किसी नेता या अभिनेता को छींक भी आती है तो चैनल की न्यूज बन जाती है, लेकिन यहाँ एक आदमी जो 3 दिनों से सड़ रहा है उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इंसान और कुत्ते में कोई फर्क नहीं रहा है। गुजरात में पिछले दिनों एक कुत्ता मारा गया जिसके घर वालों ने कुत्ते की अंत्येष्टि बड़े धूमधाम से की और समाज को खाना भी खिलाया गया। उसका 40वां मनाया गया, उसकी 13 ही की गई। और मुझे आपको बताने में बड़ी शर्म आ रही है, एक शायर ने कहा है, एक कुत्ते ने लपक कर दूसरे कुत्ते से कहा, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। अगर आदमी इसी तरीके से मरते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कुत्ते और आदमी में फर्क खत्म हो जाएगा। हम आपको बताएं, देखिए हमारे फास्ट फैक्ट चैनल की जैसे ही खबर लोगों को मिली और वहां से देखो सरकार जागी और वैन, ये एम्बुलेंस वैन यहां पहुंची है, लेकिन डेड बॉडी उठाने के लिए कोई नहीं आया, बल्कि गर्दुल्ले ही डेड बॉडी उठाकर रख रहे हैं इसमें। देखिए अगर आप ऐसा ही समाज चाहते हैं तो हमें आप SMS करें। हाँ में करना है तो आप Y टाइप करें और ना में करना है तो आप एंड टाइप करें। SMS आज ही करें। अगर आप विनर हुए तो हमारा चैनल आपको एक 24-inch TV इनाम में देगा। तो हमारा चैनल सबसे फास्ट चैनल, फैक्ट चैनल, सबसे सच्चा चैनल, आपका चैनल, मैं कैमरामैन पुरोहित के साथ अनुषा फैक्ट। अपना भी यही हाल होएगा। इसको तो एम्बुलेंस मिल गई, हमें तो वो भी नसीब नहीं होएंगे। अबे मरना एक दिन सबको है, कोई एक दिन पहले मरेगा, कोई एक दिन बाद। यार दिल छोटो मत कर, जो नहीं पीता वो भी मरता है ना। अरे यार पूड़ी पूड़ी है क्या उसके पास है? अबे पूड़ी मैं टेंशन में पी गया यार। तो मैं क्या पिएगा साला, मेरा भेजा। अभी मैं जाता बांद्रा स्टेशन, वहां जाके सोएंगा, सुबह को अजीत से मिलेंगे। चल भाई, हम लोग धरा भी चलते हैं। चल। साहब, साहब मुझे बचा लो साहब, मैं मर जाऊंगा साहब, मैं मर जाऊंगा। या तो बोलेगा या मरेगा, बुलवाओ इससे। हाँ जी रेलवे स्टेशन। साहब साहब साहब, तेरी सारी कुंडली तो मैं निकाल ले लूंगा, लेकिन बेटर है कि तू अपने मुंह से बता दे। किसी को खबर नहीं है कहाँ है तू, ना ही कोई किस दर्ज है। बोलेगा तो कोर्ट जाएगा, बच जाएगा। नहीं बोलेगा तो सोच कहां जाएगा। साहब साहब मैं सच कह रहा हूं साहब, मैं बहुत ईमानदार आदमी साहब। आ गया ना औकात पे, तुम जैसे लोगों की ना कोई इज्जत होती है ना कोई ईमान। पांडे ये कल तक मुंह ना खोले तोड़ा दे साले को। काम खा सरकार का खर्चा बढ़ा रहा है। आज मुंबई सेशन कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को हिट एंड रन मामले में एक बहुत बड़ी राहत देते हुए उनको निजी पेशी से छूट दे दी है। तो ये थी सलमान खान की बात। अब हम रुख करते हैं दूसरी खबरों की ओर, जहां पर हमें अभी एक बड़ी खबर मिल रही है मुंबई के माहिम धारावी से, जहां पर एक अज्ञात शव मिला। हम आपको ले चलते हैं सीधे घटना स्थल पर, जहां पर हमारा संवाददाता अनु शाह मौजूद है। ये वो घटना स्थल है जहां से एक नशेड़ी का शव मिला है। इस शव को उठाने के लिए कोई नहीं आया, सिर्फ गर्दुल्ले ही आए। हमारे संवाददाता अनुषा ने बताया कि किस तरह से लोग नशे की लत से अपना दम तोड़ रहे हैं। लतीफ भाई आखिर इस पर कोई गौर क्यों नहीं कर रहा है?
कब सरकार अपनी नींद से जागेगी। तो ये थी मुंबई की माहिम धारावी की घटना। माहिम पर एक गर्दुल्ला तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। क्यों बे भुकनी के? जी जी मालकिन, ये ले, ठीक से बना, भाई लोग आए। ठीक है भाई। देखो धंधे में वो मजा नहीं रहा। अब आज की बात ले लो, पुलिस चौकी के इंचार्ज का अर्दली आया था, कहने लगा सेक्शन टाइट है, जरा ठीक से माल लेना, ऊपर से रेड भी आ सकती है। दूसरे वो नार्को टैक्स वाले अलग झमेला मचा रखा है, माल ठीक से उतर ही नहीं रहा है। कैसे दिन काट रही हूँ मैं ही जानती हूँ। लीजिए मालकिन, सर करे सरदार, बाकी सब हकदार। ले पटेल, रख के धकेल, लगे दम मिटे गम, कमाओ तुम खाए हम। बम बम भोले, जब भी मुंह खोले तेरा ही नाम बोले। ले बुमई, ला बिड़ूला, पी और जी। अरे सोने की चिला में हीरे का दाना, क्या बात है, क्या जिसने दम मारा हो मुंबई का शाना, क्या भाई बात। लाखों के धंधे में करोड़ों की भूल, चौपड़ा खुला तो खाला का मुद्दल भी गोल। या बादशाह पीर, हर बला को चीर, ले बिड़ू दो मार। लाला बादशाह पीर, जब तक रहेगा धुआं धक्कर, मुश्किल है समझना इसका चक्कर। बोले तो जो भी है चरस, हो जाए सरस। झकास बाबा झकास, ले बंजाल मार तू भी। धनी को पूछे धन और गरीब को पूछे। क्या बात है भाई। भाई लोग हुए किसके, खाए पिए लिए दिए और किसके। अच्छा भाई, अभी अपुन कमती होते हैं सेक्शन घरे में। अपुन के पास कभी खोटी न्यूज नहीं मिलेगी दादा सेठ, चौकी से टिपाई थी। आपकी खबर कभी गलत नहीं हो सकती भाई, लेकिन जाते जाते एक बात बोल दूं, माल एकदम झक्कास था बाबा। कश्मीरी माल क्या। अच्छा भाई अपुन चलते हैं, चलो बंटाल, चलो बाबा। शाम को डोंगरी भाई की रेप पार्टी में माल टाइम से भेज दे। हाँ हाँ भेज दूंगी। चल भाई। ओह ये बेबी Kashmir, Kashmir, Kashmir. Oh yeah. Once again, Kashmir. Baby. Kashmir, Kashmir, Kashmir. Once again, baby Kashmir. Har su phela dhua hai dhundla, saayi jahan hai doobe rahe nashe mein aisa sukoon kahan hai. Baar ke sutte duniya ke hum sare gham bhule. Gardulle, gardulle. Duniya ke sare gham bhule. Gardulle, gardulle. सारे गम भूले 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 गर्दुल्ले गर्दुल्ले दुनिया के सारे गम भूले गर्दुल्ले गर्दुल्ले दुनिया के सारे गम भूले। हवा में उड़े नशे में पड़े, जमीन पे गिरे खुशी से परे। ये मदहोश है ना कुछ होश है,
खुदा से खफा जिंदगी से थके, मार के सुट्टे दुनिया के हम सारे गम भूले, गर्दुल्ले गर्दुल्ले दुनिया के सारे गम भूले, गर्दुल्ले गर्दुल्ले हाँ गैंग्स ऑफ गर्दुल्ले, भूले भूले गर्दुल्ले गर्दुल्ले दुनिया के सारे गम भूले, गर्दुल्ले गर्दुल्ले दुनिया के सारे गम भूले। डैडी कब तक तू अपने मम्मी पापा के सारे रहेगा? तुम मुझे जानते नहीं, तुमने मेरा मोबाइल तोड़ा, तुम्हें मालूम नहीं मेरा बाप कौन है? मैं जानना भी नहीं चाहता हरामखोर। अगर पता चलेगा ना मेरे पापा को, देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। अरे इसके बाप को बुला और इसको अंदर कर। यस सर। चल 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 अंदर। या खुदा सच है तेरी खुदाई, ये बता तूने औरत क्यों बनाई? भाई हटेले का फोन है। हाँ हटेले का फोन। हाँ डला भाई। रे पार्टी पे छापा पड़ गया। क्या कैसे? कैसे क्या भाई? वो एसीपी सावन ने छापा मारे ला भाई। डोंगरी सबको पकड़ लिया, अपन गलती मार के बाहर आ गया। अभी क्या करो भाई? ठीक है कर बाद में। हे बटले जी भाई, पता लगा कौन है अपने पीछे? पुलिस पे आजकल बहुत मेहरबान हो रहा है। दो दिन में नाम चाहिए मुझे, दो दिन में। जा जल्दी जा। ठीक है। अबे जल्दी करना, क्या कर रहे है? कांडी बुझ जाए। ला ला जल्दी चला चला। हाँ अरे शायद ये वही लग रहा है जिसे लतीफ के साथ टीवी पे देखा था। देखते हैं। अरे ला जल्दी करना यार, तू भी काहे को देरी कर रहा है। अरे देरी कौन कर रहा है यार, तू भी क्या बात करता है, जला तो लिया हूँ ना बाबा, तू भी ना। बस बस भाई साहब जरा सुनिए। मैं नहीं वो वाले। ए, वो मैडम भाई साहब तो लिया मेरे को। अच्छा चल चल के। अच्छा चल मैं भी चलता। इसको जानते हैं आप लोग? ये तो अपन का दोस्त है लतीफ, देख देख। हाँ यार ये तो लतीफ है अपन का दोस्त। इसका कुछ पता है? क्या बात है, कोई लफड़ा के लिए है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे लफड़ा कभी लतीफ कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छा है मैडम जी। लेकिन आपको उससे क्या काम है? मैं इस लतीफ की बदनसीब बहन हूँ जो दर दर भटक कर अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। प्लीज आप लोगों को एड्रेस मिले तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। कल लतीफ अपन के साथ नहीं था? नहीं नहीं नहीं, तेरे साथ था तो बता किधर। कल एक गर्दुल्ले की लाश को एम्बुलेंस में रखने के बाद मुझसे बोला हम बांद्रा जा रहे हैं केरवाड़ी ईस्ट में अजीत के पास। अरे अजीत के पास नहीं, मैं जानता हूँ वो किधर है। तो प्लीज हमें बता दीजिए, हम जिंदगी भर आप लोगों का एहसान मानेंगे। उसका एक आइटम है नीना, उसी के घर जाके सुट्टा मारने गया होगा, मेरे को पक्का पता है, खेरवाड़ी में। अच्छा बहन मिलेगा तो जरूर बोलेंगे। जरूर बताएंगे लतीफ जिधर मिलेगा। चलो भाई। लतीफ कहाँ हो तुम? रीना ये नशा ना बहुत बुरा नशा होता है, ये आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। दिमाग सुन, इस नशे के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता है, भीख मांगता है, चोरी करता है। तूने हम जैसे लोगों को कभी मरते हुए देखा है? फटके हाथ में आ जाती है, मैं देखा। ये नशा ना किसी भूत को दिखा दो,
भूत भी सर पे पैर रख के भाग जाए। ऐसा देखिए, ऐसा भूत। इमरान हाशमी हूँ मैं। और मैं मल्लिका शेरावत, सीरियल की सर। मैं आपकी संस्था के साथ इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि आप लोग गरीब लड़कियों और विधवा औरतों का भला कर रहे हैं। कौन सोचता है आज इनके बारे में? कोई नहीं। आजकल तो लोगों ने राजनीति को भी धंधा बना दिया है। पांडे सर, इस नंबर पे कॉल करो, इसकी सारी कुंडली निकालो। ओके सर। सर नंबर आउट ऑफ सर्विस है। इस मोबाइल ने हमारे सिस्टम की ऐसी तैसी करके रख दी है। साला 10-10 रुपए में ये सिम कार्ड गली के नुक्कड़ पे मिल जाते हैं। ये 10 साले अपना काम करके सिम कार्ड फेंक देते हैं, लेकिन बस्ती हमारी है। कोई बात नहीं, कंपनी से इस नंबर की सारी डिटेल्स निकलवाओ सर, और जहां से इन्हें उठाया है उसके आसपास के 24 घंटे की सारी कॉल्स की डिटेल्स हमें चाहिए। यस सर। मैं भी देखता हूं कि सलाह है कौन। पाटिल साहब, शबीर भाई, आप लोग जरा बाहर जाइए। ठीक है। लगाओ फोन, लगाओ। जी सर। मत उठाओ। जी सर। साला इन्हीं में से किसी के बाप का होगा। सर घंटी बज रही है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। ये 2 टके का पुलिस वाला हमारा फोन नहीं उठा रहा है, एनडीए का फोन नहीं उठा रहा है। मोबाइल पे लगाओ। सर वो मोबाइल रखता ही नहीं है। सर मैं शिंदे को फोन लगाता हूं। सर सर शिंदे लाइन पे है। शिंदे। जय हिंद सर। सावंत को फोन दो। जी सर। सर आपका फोन। किसके बाप का है? मंत्री जी का फोन है। जय हिंद सर। ये क्या सुन रहा हूं मैं? शरीफ घर के बच्चों को तुमने चौकी में बिठा के रखा है? अरे इन बेचारे मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? अगर तुम अभी से उनको जेल में डाल दोगे तो ये हार्डकोर क्रिमिनल बन जाएंगे। इनको सुधरने का एक मौका दो, इनकी गलती पे इनको वार्निंग देकर छोड़ दो। छोड़ दो इन सबको। लेकिन सर, इट्स माय ऑर्डर। अगर लड़ाई लड़नी है तो उनके साथ लड़ो जो इस जहर को इस शहर में फैला रहे हैं। सावंत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमें इसे जड़ से खत्म करना है। ठीक है। देखो आज तो तुम सबको छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसी जगह पर दिखे तो तुम खुद जिम्मेदार होगे। शिंदे। जी सर। छोड़ दो सबको। ओके समझ गई। सुट्टा सुट्टी के पीछे लुढ़क गया है, दुकान बंद है, तेरा माल बिका नहीं, अब तुझे माल उधारी पे मांगता है। दे दो ना, कल रद्दी पेपर बिकते ही ना
सबसे पहले तुम्हारा पैसा चुकता करूंगा। ठीक है भरोसा है मेरे को तेरे पे, पर देख कल आना तो नगद नारायण साथ लाना, नहीं तो कसम खुदा की इसकी नौबत नहीं आएगी। ये ले। चलता हूं। ए सुन, इधर आ। छोड़ दे इस लानत को, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, एक ही मंजिल है, वो है मौत। एक लावारिस मौत। अरे फुटपाथ पे पड़ा होगा मरा हुआ, एक दिन लोग देख के गालियां देंगे, अरे मर गया गर्दुल्ला, मर गया गर्दुल्ला। बीएमसी की गाड़ी आएगी और उठाकर ले जाएगी, जैसे गंदगी साफ कर दी हो सड़क की। लोग नाक पे रुमाल रखकर बातें करेंगे तेरे लिए। कोई नहीं होगा तेरी आत्मा की शांति के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगने वाला। रोक ले अपने कदम बेटे, यहीं रोक ले, सुन रहा है तू? जिसने जिंदगी दी है वही संभालेगा। मर जाएगा बासी सूखी जलेबी के टुकड़े। जीने का जमाने ने अंदाज बदल डाला, अंदाज बदल डाला। ए झोलझाल कंपनी, क्या झोल करके आ रहा है? जीरो बटा सन्नाटा, कहाँ थी तू इतने दिन? तुझे तो देखता फिर रहा था मैं, मुझे लगा कहीं तू टपक गई है या किसी ने जमा कर ली है। तू मेरे को देख रहा था? अभी जा तू उसी के पास जा। कहाँ जाऊँ? वही तेरी वो कौन? अरे जा ना तू, जा तू यहाँ से। वो कौन बता तो? अरे जा तू यहाँ से, उसके पास जा। ए, क्या? वो कौन बता, कौन है पहले नाम तो बता। तेरे को सब मालूम है कौन है वो, जा यहाँ से तू। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ तेरे बाद? उसके पास ही जा, उसके पास ही जा। पागल हो गई क्या तू? तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, जाएगा कि नहीं? हाँ तू जाओ। कहती है जा, किसके पास जाऊँ, नाम तो बता पहले, जा। किसके पास जाऊं, नाम तो बता पहले। हैं क्या बता, तेरे अलावा किसके पास जाऊंगा? वो तेरी रीना। रीना? हाँ तेरी रीना, जा उसके पास। ये रीना तो मेरे को भाई बोलती है, उसका चक्कर तो उससे चल रहा, अजय से, अजय का माल है वो, मेरा माल तो तू है। झूठ बोलता है। बता क्या करूं सच बोलने के लिए, हाथ काट लूं, हैं? चांद तारे तोड़ के ले आऊं या कूद जाऊं यहाँ से? देख कूद के दिखाता हूँ, देख कूद जाऊं। अरे ना ना, इधर आ, इधर आ, नीचे आ। ले आ गया। पागल हो गए क्या? देख रहे हैं इन लोगों को, कितना प्यार है इन दोनों में। हाँ देख रही हूँ, सीखो कुछ इन लोगों से। अच्छा। तुमसे तो अच्छे ये गर्दुल्ले हैं जो इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से। अच्छा हाँ ठीक है चलो चलो निकलते हैं। तू मनाएगा? मैं मनाऊंगा, मान जाना। जो बोलूंगी वो करेगा? करूंगा। बोल क्या करने को बोल रही? वो निकालना। क्या क्या? पुड़िया। आगे नहीं अपनी औकात पे, निकालना पुड़िया। अभी लेके आया हूँ उधार, पैसा भी चुकता नहीं किया अभी। ये ले खोल इसे। पैसे मत मांगियो मुझसे, तेरे पास है ना, तेरे पास निकाल, मैं तो उधार लेके आऊं उससे, यहाँ रखे होंगे ना तेरे पास। अरे पैसे नहीं है यहाँ। अरे नहीं है बाबा, पैसे मेरे पास नहीं है। नहीं है कसम से। तू ही कुछ झोलझाल कर ना पैसे का, मेरे पास पैसे होते तो तेरे से क्यों मांगती। क्या झोल करूं मैं, ये कार है ना इधर देख। देख। हाँ? इसका टेप सुबड़ी कर लेते हैं। हाँ। है? इसको बेच के माल ले आते हैं और क्या। हाँ? बोल
पुलिस डंडे मारेगी तेरे को। अरे पुलिस की माँ की आंख, पुलिस का नाम मत लियो मेरे सामने। साली हमारे जैसे लोगों को अंदर कर देती है और बड़ों को बाहर, और वो साला काला नकाब डाल के बोलते ये पकड़ा हमने क्रिमिनल और फोटो खिंचाते उसके साथ। माँ की आंख, उन पुलिस वालों का नाम मत लियो मेरे सामने। पुलिस की माँ की आंख तेरी माँ की आंख नहीं है? मेरी माँ की आंख बहुत अच्छी है, मेरे जैसी भूरी भूरी, ये देख। अच्छी नहीं लगती? अच्छी है, चल आंख, चल ना खोल इसे, निकाल इसे, पकड़ पकड़, फुकनी ला, डाल इसको, फुकनी निकाल, मार। कल रात जिस बड़ी कामयाबी के साथ एसीपी सावंत ने बड़े घर के लड़के लड़कियों को रेप पार्टी मनाते हुए अरेस्ट किया, उन लड़के लड़कियों को मंत्री नारायण दत्त अग्रवाल के कहने पर रिहा कर दिया गया। वजह बताते हुए मंत्री नारायण दत्त अग्रवाल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को जेल में डाल देने से समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इस शहर में नशे के जो भी सौदागर हैं उनके साथ साथ उस शख्स को भी खत्म करना होगा जिसकी शहर पर ये जहर शहर में फैल रहा है। मंत्री जी ने कहा है कि इन सब के पीछे जाफर डोंगरी का हाथ हो सकता है या फिर किसी और का, लेकिन जिसका भी हाथ है हम उसे नहीं छोड़ेंगे और इस जुर्म की तह तक पहुंचकर इस जहर को फैलाने वाले मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे ताकि आगे आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को इससे सबक हासिल हो। आज के लिए बस इतना ही, आगे खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। हमारे तेरे घर तेरी किस्मत है, कभी तू मुझको कभी अपने घर को देखता है। डोंगरी अचानक, बेटी तुम अंदर जाओ। अरे अच्छा नहीं लगा, मेरा शेर और मेरा आना, बैठो। डोंगरी क्या बोल रहा था टीवी पे कि जफर डोंगरी को खत्म करेगा तू और मेरे धंधे को भी जड़ से खत्म कर देगा तू। ये क्या बोल रहा है तू, इनके साथ बदतमीजी से बात करता है, चल है? भाई से तमीज से बात करने का वरना छे की छे उतार दूंगा। ए, ए, उबाले। ये देखिए पटेल साहब, आप बाहर जाइए प्लीज। डोंगरी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे तुमको तकलीफ हो। मतलब ये टीवी वाले झूठ बोले थे? राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। डोंगरी चाणक्य का नाम सुना है? खैर छोड़ो, मैं वहां पैदा हुआ हूं जहां राजनीति पैदा हुई, बिहार, और मैं वहां बड़ा हुआ हूं जहां राजनीति बड़ी हुई, उत्तर प्रदेश, और शासन हम करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में। खैर जाने दो, ये बातें तुम्हारे समझ के बाहर की बात है। अपनी समझ में एक ही बात आती है मंत्री, एक शेर बोल के सुनाता हूं। अर्ज किया, गौर फरमा। ए तुम लोग भी सुना रहे, लहू का रंग पानी से क्या उतारोगे, लहू का रंग पानी से क्या उतारोगे, छुपोगे खुद से कहां जब किसी और को मारोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलता हूं मंत्री, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शेर पढ़कर अपने आप को शेर समझता है जाहिल, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि तुम जैसे जाहिलों को हम नेता इस्तेमाल करते हैं। Thank you.
जल्दी निकाल, जल्दी। हाँ सलाम साहब। कैसा है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास साहब। और साहब तुमको तो मालूम है ना, अपन तुम्हारा कितना बड़ा जीरो डायल है। ये पकड़, ये पकड़। हाँ साहब। सावन साहब ने भेजा है। हाँ साहब। रेव पार्टी की इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके साहब। बोला ऐसी खबर देता रहे। ठीक है, तुझे खुश करता रहूंगा। अरे साहब तुम फिक्र मत करो साहब, अपन एक से खबर तुमको देता रहा साहब। बोल बटले भाई। वो खबरी अली मिल गया है, क्या करना है? सोचता क्या है, उड़ा दे साले को। ठीक है भाई। चिलम अली चिलम, क्या बे खबरी बनने का बड़ा शौक है ना तुझे? मूसा डाल दे साले। खबरी बनने का बहुत शौक है ना, अब ऊपर जाकर चिलम पीनट। हेलो सर, अली खबरी को किसी ने चाकू मार दिया, वो सीरियस है, उसका बचना मुश्किल है। सर बुरी खबर है। क्या हुआ? खबरी पे हमला हुआ है सर, सर उसका बचना मुश्किल है। साला अली, लगता है वो उसके बारे में जान गए थे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। ए, कहाँ घुसते चले आ रहे हो? भाई साहब इसकी हालत खराब है। अरे टिकट विंडो समझ रखा है क्या, जो मुंह उठाए घुसते चले आ रहे हो? इमरजेंसी केस है। अरे काहे का केस है? केस है केस है, तुम लोग तो खुद ही एक केस लगते हो। अरे भैया जब बर्दाश्त नहीं होता तो पीते काहे को हो, गर्दुल्ले कहीं के। अरे सर बात बात में कर लेना, अभी इसकी इमरजेंसी केस है। कहाँ जा रहे हो? सिस्टर इसकी हालत खराब है, इमरजेंसी केस है। आपको पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, डॉक्टर बाद में देखेगा। मैडम बाद में फॉर्म भर लेंगे, अभी हालत तो देख लो इसकी क्या हालत हो रही है। जा लाइन में बैठ जा। हाँ? अच्छा आराम से, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिस्टर मैडम जरा डॉक्टर को बुलवा दो जल्दी। आपको बताया गया ना, आपको पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बाद में डॉक्टर देखेगा। फॉर्म बाद में भर लूंगा, कि भागा थोड़े जा रहा हूँ मैं, इसकी हालत तो देख लो। भाई साहब डॉक्टर को बुला लो जल्दी। सोना तुम घबराओ मत, डॉक्टर साहब आ जाएंगे। मैडम भाई साहब यार जरा मैडम डॉक्टर को बुलवा दीजिए, वो मरी जा रही है। क्या डॉक्टर को बुलवा दे, बैठो वहां। अरे वो मरी जा रही है यार। अरे बैठ। क्या बैठ भाई साहब, डॉक्टर को बुलवाइए ना यार, ये मर रही है। सोना कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा सोना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इसकी हालत खराब है, इमरजेंसी केस है। डॉक्टर साहब इसकी, नर्स बेड नंबर 3 के पेशेंट को चेक कर ले। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इसकी हालत, माय ड्यूटी इज ऑफ। वो तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो दे दो, उसकी हालत तो देख लो, इसकी हालत खराब है, देख तो लो, देख तो लो, वो देखेगा। व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटी यार, इसकी हालत खराब है, कोई आप लोग कोई कोई पूछता ही नहीं। मैडम जरा डॉक्टर, भाई साहब जरा डॉक्टर साहब को कोई बुलाओ ना यार। सोना सोना ए क्या हुआ? सोना क्या हुआ? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ए व्हाट हैपेंड? सोना व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? क्या हुआ क्या? मर गई। मर गई? हाँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। व्हाट गॉड पे काई को ब्लेम कर रहे हो? हैं आप लोगों की लापरवाही से इसकी डेथ हुई है। व्हाट डू यू मीन, माइंड योर लैंग्वेज, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, दिस इज द फैक्ट। आस्क टू एवरीबॉडी हियर, I was running like a mad for half an hour, but nobody is bothered to listen me. The patient is fighting for the life, and nurse is saying fill the form first, and doctor is saying my duty is off. This is not a proper way to handle emergency. There is no rule such rule in medical science. Okay? I was also a medical student. अभी हालत खराब है। Yeah.
तुम लोगों को धरती पर भगवान कहा जाता है और शैतानों जैसी हरकतें करते हो, ये देख लो। I'm sorry young man. I'm sorry. For what? Everything is lost. Go enjoy. Go enjoy. My duty is off. नफरत का जहर दुनिया ने दिल में भर दिया है, नफरत का जहर दुनिया ने दिल में भर दिया है, मर मर के जीने पे मजबूर कर दिया है। हेलो, हे मंत्री, कितनी बार कहा है इस नंबर पर फोन मत किया करो, तुम्हें पता है ना आजकल फोन टैपिंग का सिलसिला चल रहा है। साले तुम नेता लोग बड़े मतलब के दोस्त होते हो। 3 दिन हो गए वो सामंत ने मेरे आदमी को अंदर करके रखा हुआ है, ना ही मेरे आदमी का कोई पता है और ना ही मेरे माल का। वो कह रहा है साला, शांत हो जाओ डोंगरी। अबे क्या घंटे का शांति? कैसा मंत्री है तू? एक मामूली से पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं करवा सकता तू? अगर तुझसे नहीं होता तो मुझे बता, मैं खुद ही कर लूंगा। डोंगरी कहा ना, शांत हो जाओ। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं देखता हूं क्या करना है, नहीं तो मैं तुझे देख लूंगा मंत्री। अरे नेताजी, कल मैं इत्तफाक से अपने अजीज को देखने गया था हॉस्पिटल में कि कॉरिडोर में गर्दुल्ला अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि डॉक्टर साहब इसे देखो इसे। मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन वहां ड्यूटी पर मौजूद किसी डॉक्टर ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, सब उन्हें जिंदा लाश समझ रहे थे, इग्नोर किया उसको। उस लड़की ने मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। बहुत अफसोस है बादशाह भाई, लेकिन आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं नेताजी, मैं जानता हूँ आप निहायत सच्चे महान और ईमानदार नेता हैं। आप चाहे तो इन ड्रग्स माफियाओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर बोलता हूँ, कोई कदम उठाइए नेताजी, सख्त कदम उठाइए और नस्लों को खोखला होने से बचा लीजिए नेताजी। बादशाह भाई, मुझे मालूम है इसके पीछे कौन है। इसके पीछे वो है जिसका नाम है नारायण दत्त अग्रवाल, लेकिन उनसे जाकर बात तो करना ही पड़ेगा, उससे बात करूंगा। अगर वो नहीं माना तो मैं उसके खिलाफ सड़क पर उतरने में झिझकूंगा नहीं। मैं आपके साथ हूं बादशाह भाई, आप फिक्र मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, चलिए अच्छा इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। कुलकर्णी, तुम्हें तो पता है कि सारे शहर को ड्रग माफिया ने घेर रखा है। जानता हूं सर, क्रॉफिट मार्केट से धोबी तालाब तक, कुलाबा से फोर्ट तक, ग्रांड रोड से डोंगरी तक, इन सारे इलाकों में ड्रग्स माफियाओं ने अपना जाल फैला रखा है सर। यही नहीं सर, मुंबई शहर के तमाम स्कूल कॉलेजों में नशे की सप्लाई शुरू कर दी है। अधिकतर लड़के लड़कियां इससे घिर गए हैं सर। और इतना ही नहीं, ये लड़के लड़कियां इंक थिनर, खांसी की दवाइयां, इसके भी आदि हो गए हैं। और सर, ड्रग्स माफिया इतने शातिर हैं कि अपने पास आधा ग्राम से भी कम मात्रा में चरस गांजा रखते हैं। जब ये पकड़े जाते हैं तो सेल्फ कंजक्शन के तहत कोर्ट इन्हें 500, 1000, 2000 जुर्माना लेकर छोड़ देती है सर। यही तो रोना है कुलकर्णी, लोग कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती, अरे पुलिस करे तो क्या करे। एनीवे, मुझे किसी भी हालत में इस ड्रग माफिया की जड़ तक पहुंचना है। जी, अंडरस्टैंड? यस सर, जय हिंद सर। कहिए सर, क्या बात? ये मेरे भाई लतीफ की फोटो है। क्या हुआ इसे? सर, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त पुलिस वाले उसे उठा कर ले गए और उस पर ना जाने क्या क्या इल्जाम लगा दिए। 7 साल की सजा के बाद भी लतीफ घर नहीं आया, हम इंतजार ही करते रहे, पता नहीं कहाँ गया।
लोग कहते हैं शायद वो गर्द पीने लगा है। सर इसे किसी भी तरह ढूंढवा दीजिए प्लीज, हम जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। ठीक है, आप बाहर ड्यूटी ऑफिसर के पास अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर लिखवा दीजिए, जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी हम आपको खबर कर देंगे। ठीक है, नमस्ते सर। कुलकर्णी, सर इस तस्वीर को संभाल के रखो, हो सकता है ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे। मंजिल तक तो तुम्हें हम पहुंचाएंगे सावंत, और तुम्हारा प्रमोशन भी करवाएंगे, और ये सब तब होगा जब हमारे इलाके में तुम हमारे हिसाब से काम करोगे। आप ही के हिसाब से काम कर रहा हूं मंत्री जी? आपने आधी रात को फोन किया कि लड़के लड़कियों को छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। आप बताइए कि अब और क्या आपके हिसाब से कुछ करना है? अशरफ कश्मीरी जिसे तुमने बेवजह पकड़ रखा है उसे छोड़ दो। अशरफ कश्मीरी, मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं ये पुलिस डायरी, ये लॉकअप देखिए, नहीं है ना? वैसे मंत्री जी आपको ये बात बताई किसने? ये बात जिसने भी बताई है उसकी खबर तो हम बाद में लेंगे, पहले सोचना ये है कि अशरफ कश्मीरी गया कहां। ए सावन, तू कहीं हमारे साथ खेल तो नहीं खेल रहा है? खेल तो आप लोग खेलते हैं मंत्री जी, वो भी कुर्सी पे बैठ के। खेलते भी हैं, खिलाते भी हैं, और जीतते भी हैं। याद रखना सावन, ये हमारा इलाका है। ए, हंस क्यों रहा है? क्यों हंस रहा है? वो इलाके वाली बात पे। इलाका तो सावन, सावन, सावन। आपका है मंत्री जी। बोरा गया है। मुबारक हो एमएलए साहब, लेकिन अगर किसी मीडिया वाले ने देख लिया कि अपोजिशन का एमएलए सत्ताधारी मंत्री के घर क्या कर रहा है तो कल अखबार में ये हेडलाइन बन जाएगी। मैं आपसे ये कहने आया हूं मंत्री जी कि जो आप असामाजिक तत्वों को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं वो बंद कर दे। मैं असामाजिक तत्वों को सपोर्ट कर रहा हूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? होश में हो तुम? बदकिस्मती से आप मेरे राजनीतिक गुरु, इसलिए मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। अगर आपने डोंगरी से नाता नहीं तोड़ा तो मजबूर होकर मुझे मीडिया के सामने आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। प्रणाम। देखे थे कितने सपने, किस्मत ने क्या कर डाला। देखे थे कितने सपने, किस्मत ने क्या कर डाला। जीने का जमाने ने अंदाज बदल डाला, 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 बदल डाला। अफसोस जो न करना था काम वो किया है, मैं बेकसूर था मुझे। वो लिखता है ना सिगरेट के पैकेट के ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, मार्केट में खुलेआम बिकता है, लोग पीते हैं, बेखौफ पीते हैं। ऐसे अपनी पुड़ी पे लिखना चाहिए, श्योर शॉट डेथ।
जिसको मरना है वो पिएगा, कोई पुलिस का डर नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी, मार्केट में खुले आम बिकेगा, हेल्दी कंपटीशन होएगा, भाव गिरेंगे, हम लोग आराम से पी सकेंगे। और एक बात बताऊं? बहुत बोल लिया तू, बहुत बोल लिया। बड़ी लंबी लंबी हाँक रहा है। अच्छा चुप कर, एक सुर मिला नहीं कि ताल से ताल मिलाना शुरू कर दिया। ए पटेल, पटेल जल्दी ले, घुमा इधर, दे ले पटेल। ले खींच 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 खींच। भाई लोग, भाई लोग नमस्ते, मेरे को भी एक घूंट देना पीने को। बैठो इधर, बैठता हूँ, बुरा मत मानना भाई। बैठ ही गया तो बुरा क्या मानना, पूछ के बैठता। मेरे को भी दो ना पीने को एक, थोड़ा सा बहुत तलब लगता है। तुम लोगों को देखता हूँ तो बहुत तलब लगता है मेरे को। पूड़ी, ये पूड़ी क्या होता है? साला माल, माल 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 एक लाया तो था मैं वो गली में से। ए जरा टेस्ट कर, बता। बहुत महंगा दिया मेरे को। क्वालिटी देखता हूँ क्या है। मेरे को देना लेकिन थोड़ा सा। हे खा मत। बैग कुछ भी नहीं है तो। वो दो पूड़ी दिया मेरे को, दूसरी दिखा, उसकी क्वालिटी देखता हूँ। देख खाना मत, अभी मत खाना, तुमको नहीं देगा। नहीं भाई तुम देखो, चेक कर, लेकिन मेरे को ये पीना सिखाओ। ये कहाँ से लाया तू? वो तीन नंबर गली है ना पीछे, वो अन्ना का मटके का धंधा है ना, उसके पीछे दिया मेरे को एक, छोटा लड़का था वो लाके दिया। तू वहाँ काय को गया? मेरा उधर टोपी का दुकान है, वो बंद करके आया। लाला टोपी दिखा, टोपी दिखा। अपुन की दुकान का है। तू भी पीता है? नहीं आज पहली बार पीने को आया है। मैं कैसा लग रहा हूँ देख? अच्छे लग रहे हो, एकदम मस्त। अच्छा लग रहा है, शाहरुख दिखता है। ए नहीं नहीं नहीं, गाइड पिक्चर का देवानंद दिखता है। मैं हूँ। ये क्या है, क्या है? ये मेरा बेल्ट है, बेल्ट बेल्ट। ये मेरा पेन है। ये तो छोटा बच्चे लोग लगाते हैं। ऐसा मत करो, मेरे को शर्म आता है। बच्चे लोग लगाते हैं ना? बच्चा दूध लगाएगा क्या? मेरे को थोड़ा। अरे बच्चे लोग ये लगाते हैं, बच्चे लोग दूध पीते हैं। वो देख सामने दूध का सेंटर है, दूध पीना जाके। दूध नहीं मेरे को, ये पूड़ी। ये एक बात बोलूं, तुम लोगों को रोज देखता हूँ ना, इसलिए मेरा मन करता है। वाहे गुरु की कसम, ये अच्छी चीज नहीं है। तू कभी नहीं पिया ना? नहीं, लाइफ नहीं। में नहीं पीना, तेरा जिंदगी खराब हो जाएगा, दुनिया तेरे से नफरत करने लगेगी। सुनता है क्या? दुनिया तेरे से नफरत करेगी, समाज में तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। मर जाएगा, कोई कांदा भी नहीं देगा। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी ऐसे उठा के ले जाएगी जैसे कचरे का डिब्बा। सुना क्या? इस नशे में इतनी बुराई है तो तुम लोग काहे को पीता है इसको? हाँ भाई सुन, ले पहन टोपी। देख हमारे साथ तो गुजरे हुए कल की कुछ परछाइयां हैं, कुछ दुख हैं, दर्द हैं, कुछ यादें हैं। ये नशा जो है उन दुख दर्द भरी यादों को कुछ कम कर देता है, इसलिए पीते हैं। नशा क्या कम करेगा भाई, क्या कम करेगा? ए खान, ये गर्दुला की वजह से साहब आज छुट्टी पे चला गया है। पहले तीन थे, आज चार हो गए, एक गर्दुला और बढ़ गया। चला चारों की खबर लेते हैं, चल। ए लतीफ माल उठा, उठा यार, भाग भाग, चल, 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 निकल 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 निकल। मैं दोगली राजनीति पे विश्वास नहीं करता और ना ही सत्ता का लालची हूँ। मैंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि हाई कमांड को मैंने आगाह किया था कि शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारे नेता और मंत्रियों का हाथ है, मगर मेरी बात नहीं सुनी गई। क्या करता मैं? बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के कोई गुंडा गुंडागर्दी कर ही नहीं सकता, ना तो शहर में जहर फैला सकता है। और आज ये बात मैं खुल के कह रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। इस शहर के जो भी हालात हैं, ये नारायण दत्त अग्रवाल जैसे मंत्रियों की वजह से हैं और इनके। जफर, ये राजनीति भी बड़ी उल्टी चीज है, कोई भी इसमें सगा नहीं है। ये सलाहरामी कुत्ता कल तक भाई साहब कह के मेरे तलवे चाटता था और आज। जफर अगर इसकी वजह से मैं गया ना, उससे पहले वो चला जाएगा। डोंगरी
डोंगरी तुम? जफर डोंगरी नाम है मेरा। तू मुझे डरा रहा है? क्या बोला तुम्हें टीवी पे? एक्सपोज करूंगा तुम्हें, नंगा करूंगा पब्लिक के सामने, तुम्हें एक्सपोज करूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, ना तुमसे ना एनडीए से, समझे? नहीं नहीं, एक्सपोज करेगा। अल्लाह हाफिज़। इस वक्त हम खड़े हैं एमएलए पाटिल साहब के घर के बाहर, जहां कल रात को इनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है, ये साधारण मौत नहीं बल्कि सोची समझी गई साजिश है। और ये वही पाटिल है जिन्होंने एनडीए के खिलाफ बयान दिया था और दो दिन में कुछ और खुलासा करने वाले थे। तो क्या पाटिल की मौत का कारण एनडीए है या फिर किसी और का हाथ है? तो आइए मौका वारदात पे मौजूद एसीपी सावंत, एसीपी सावंत से हम पूछते हैं कि उनके हिसाब से कातिल कौन है। एसीपी सावंत जी, आपके हिसाब से कातिल कौन है? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, मुजरिम तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आपका शक किस पे है मैडम? शक तो पक्का है, लेकिन अभी बताना ठीक नहीं। ओके, जैसे कि आपने सुना एसीपी सावंत ने कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो आइए हम देखते हैं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। मैं कनिका शाह, खबर इंडिया, कैमरामैन सुदीप के साथ। मुबारक हो मंत्री जी, साहब भी मर गए और लाठी भी नहीं टूटी। अरे भाई, हमारे नेताजी का यही तो कमाल है, हमारे नेताजी महान है भाई, महान है। आओ सावंत आओ, सही मौके पे आए हो, मिठाई खाओ। लीजिए। हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रची गई थी, हम उससे बरी हो गए। मिठाई तो आप खाइए सर, क्योंकि आप बिना कोर्ट गए बाइज्जत बरी हो गए। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज तक किसी भी नेता को किसी भी केस में सजा नहीं हुई। एनीवे, मैं पाटिल के कातिल तक जरूर पहुंचूंगा। जरा जल्दी करना सावंत, कहीं ऐसा ना हो तुम ऊपर पहुंच जाओ। मेरा मतलब है तुम्हारा प्रमोशन ना हो जाए। अच्छा काम कर रहे हो, प्रमोशन तो होना ही चाहिए ना, हैं? तो सिर्फ ये तोड़ा है। कमिश्नर खान। ओह सर, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। देखिए, बात कुछ ऐसी है जिसके कारण मुझे आना पड़ा। फरमाइए, क्या खिदमत करूं मैं आपकी? आपका ये जो ऑफिसर है सावन, कुछ ज्यादा ही गर्मी दिखा रहा है। मैंने उसकी हर एक बात अनसुनी कर दी, हर बार नजरअंदाज किया उसे, लेकिन अब पानी सर के ऊपर बह रहा है। समझाइए उसे, नहीं तो उसका तबादला नेक्स्ट लाइट एरिया में करवा दूंगा, सारी गर्मी अपने आप निकल जाएगी। मंत्री जी,
मेरा मानना है कि वह एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर है, वो अपने आप को नहीं बदलेगा सर। कमिश्नर खान, अगर वो अपने आप को नहीं बदलेगा तो उसे हम बदल देंगे। एनडीए नारायण दत्त अग्रवाल नाम है मेरा, पूरी जनता हमारे साथ है। ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सर से सिंग। भूल जाएगा वो कि मुंबई में किसी जोन का इंचार्ज था वो। मंत्री जी, आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा आपके लिए जहर है। और आप जहर क्यों पी रहे हैं? और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग बड़ों की इज्जत ना करें। मैं उसे बुलाऊंगा, उसे वार्निंग लूंगा। थैंक यू कमिश्नर खान, मुझे आपसे यही उम्मीद है। जय हिंद। जय हिंद। सर, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? सर, जब मैंने ये वर्दी पहनी थी तो कसम खाई थी कि अपना काम ईमानदारी से करूंगा। मेरे काम और फर्ज के बीच में जो भी आएगा उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये मंत्री जी बीच में आ गए, आप ही बताइए सर मैं क्या करूं। आपका मतलब है कि ये मंत्री जी मुजरिमों से मिले हुए हैं? सर, मेरे पास एविडेंस है इन काले धंधों में मंत्री जैसे लोग, सॉरी सर, मंत्री जी जैसे लोग, सफेदपोश लोग भी शामिल हैं। जब मैंने रेप पार्टी में लड़के लड़कियों को पकड़ा था तो सबसे पहले इन मंत्री जी का ही फोन आया था, इसीलिए शायद मेरी शिकायत आपसे की होगी। सर आप ही बताइए ना मैं क्या करूं। देखो, ये ड्रग्स, गर्द, अफीम, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, कोकीन, हशीश, ये ऐसे नशे हैं जिसने हमारी नौजवान नस्लों को खोखला कर दिया है, हमारे आने वाली कौम को नामर्द बना के रख दिया है। ड्रग सप्लाई करने वालों को, इन सांपों को उनके बिलों से खोद के निकाल लूं, ये कर सकोगे तुम? जी सर। जो सुनो, अगर कभी मुझ पर ऊपर से दबाव आया और मैंने तुम पे दबाव डाला तो मेरे दबाव को दबाव मत समझना, उसे को खोखला दबाव समझकर अवॉइड कर देना, राइट? आप जैसे ईमानदार और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हम जैसे जूनियर पुलिस ऑफिसर्स की हौसला अफजाई करेंगे तो सच कहता हूं सर, इस गंदगी को मिटा के रख दूंगा। जाइए, ऑल द बेस्ट। ये किसके घर में आ गए हम लोग? ये तो मेरा ही घर है। वैसे तुम्हारा नाम? अजीत। अजीत, आओ बैठो। अरे यहां नीचे नहीं, वहां ऊपर बैठो। आप अकेले रहते हैं इधर? हाँ, इस घर में मैं अकेला ही रहता हूं। दोस्त, अकेला तो हमें वक्त ने कर दिया, वरना हम भी घर वाले हुआ करते थे। यही तो मैं जानना चाहता हूं। वाहे गुरु की कसम, बहुत दिनों बाद यह शब्द सुना है, घर। गोनी, सड़े गले कागज, प्लास्टिक की थैली, अब तो बस यही हमारा जीवन बन के रह गया है। और ये पूड़ी जो जीवन भर हमारा साथ देगी। ये कहो मरने तक। गुमनाम नहीं है वो डोंगरी, पाटिल का नौकर है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे चुका है। ठीक है मंत्री, फिकर मत करो, तुम मुझे संभालो, मैं तुम्हें संभालूंगा। क्या नौकर गवाही नहीं देगा? चलता हूं, खुदा हाफिज। डैडी, मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि देश की सेवा के नाम पर कहीं आप देश के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहे हैं? दिव्या, 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 दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? अपने डैडी के साथ इस तरह बात कर रही हो? सब के सब उस दो ठके के लौंडे के साथ दोस्ती करने का नतीजा है। डैडी प्लीज,
जीत, जिसे आप दो टके का लड़का कह रहे हैं, वो मशहूर सोशल वर्कर आनंद कलसीवाल का बेटा है, जिसे जाफर डोंगरी ने मारा था। मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि जाफर डोंगरी के साथ आपका क्या रिलेशन है? वो हमारे घर क्यों आता है? बेटे, तुम्हारे पिता समाजसेवी हैं, नेता हैं। नेता का घर और भगवान का मंदिर एक जैसे होते हैं। इनके दरवाजे सदैव सबके लिए खुले रहते हैं। कब कौन आता है, कौन जाता है, हम कैसे मना कर सकते हैं? खैर बेटे, तुम इन बातों को छोड़ो और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। खुश रहो, जाओ। जीत, आनंद कलसीवाल का बेटा। सांप का सर कुचला तो सपोली ने फन फैला दिया। भाई, मंत्री जी का फोन है। जाफर। बोल मंत्री। एक बुरी खबर है। जीत कलसीवाल को जानते हो? नहीं। आनंद कलसीवाल का बेटा है, दिव्या का दोस्त है, हमारे घर आता जाता है। उस दिन उसने तुम्हें हमारे घर पर देख लिया था। उसने तुम्हें पहचान लिया है। मैं उसका फोटो मेल करता हूँ, डिटेल के साथ। काम हो जाना चाहिए। क्या करना है, समझ गए ना? समझ गया। उबले। समझ गया भाई। जीत कलसीवाल। अरे जल्दी जावे, देख बहुत प्यारा शेर याद आ रहा। वावा। बोलने तो दे पहले वावा। जी भाई। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सुभान अल्लाह, तेरे बाप का भी फेवरेट शेर था ये, मिस्टर कलसीवाल का। बहुत प्यार करता नहीं तो अपने पप्पा से? देखा तेरा फेसबुक अकाउंट में, आई लव यू पापा, आई मिस यू पापा, आई पापा, आई पापा, पापा, पापा। भेजता हूं तेरे को उसके पास, ज्यादा मिस नहीं कर दूंगा तेरे को। और ये दिव्या, दिव्या कौन है? वो भी बहुत मिस कर दिया तेरे को। वो भी देखा मैंने तेरे स्टेटस पे, आई लव यू दिव्या, आई मिस यू बेबी। लेकिन देख जीत बाबा, एक बात याद रखना, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता है? और मैं बता रहा हूं तेरे को, ये दिव्या इव्या को छोड़ और अपने माँ बाप के पास चला जा। दिव्या को तो ये लोग भी संभालेंगे, क्यों भाई लोग? गुस्सा आ रहा है, रोक अपने आप को है? जाना तो देख पड़ेगा तेरे को अपने पप्पा के पास। और जावेद तू क्या बोल रहा था भाई? जी भाई, क्या है? के भाई बहुत टाइम हो गया, एक गेम नहीं बचाया क्या? हाँ भाई, लास्ट ईयर वो नगर सेवक उड़ाया था भाई। हाँ, बीच में जो खबरी को उड़ाया था उसका क्या? भाई कसम खुदा की वो बटलेन उड़ाया था भाई। भाई जंग लग गया भाई। हाँ लेके जा, तेरा वही गेम। हाँ? चल शुक्रिया भाई। हाँ चल, आ जा आ जा, आराम से आ बैठ गया। अरे टेंशन मत ले, कुछ नहीं करना मेरे भाई। बोल क्या खाएगा? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो खाएगा, बिरयानी मंगाओ, मैकडोनल्ड से कुछ मंगाओ। नहीं। अरे खाना, इतना दौड़ा, इतना मार खाया, तेरा तो हक बनता है। वो क्या है ना, जब हम लोग बकरे की कुर्बानी करते हैं ना, तो उसको कुछ खिलाते हैं, नहलाते हैं, इसलिए तेरा भी हक बनता है। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे साले। मेरे को उंगली दिखाता तेरी माँ का साकी ना का। अबे जावेद हठेला नाम है मेरा, अच्छे अच्छे की फट के हाथ में आती है साले। मेरे को उंगली दिखाता है, आग दिखाता है। अबे मुझे जाने दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जीत को क्यों मरवाऊंगा? क्योंकि वो चश्मदीद गवाह था।
देख लिया था उसने आपको और जाफर डोगरी को सुपारी देते हुए। आप एक ऐसे बाप है जो अपनी ही बेटी की खुशियों को आग लगा दी। लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगी जब तक जीत के कातिलों को सजा नहीं दिलाती। मैं चुप नहीं बैठूंगी चाहे उसके लिए मुझे आपके खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। दिव्या, दिव्या! यही तो मैं जानना चाहता हूं कि ये गर्द की पुड़िया तुम लोगों के हाथों में आई कैसे? कौन है इसका जिम्मेदार? तुम लोगों ने इस नर्क को क्यों अपनाया? रीना, लतीफ, तुम जरूर कुछ बता सकते हो, बताओ ना। शायद मैं तुम लोगों का दर्द बांट सकूं। कोई मेरे दर्द को क्या बांटेगा? सुनो, तुम लोगों को अपनी स्टोरी सुनाता हूं। सुनाओ। सुनाओ। बहुत परेशान हूं यार, रात भर पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू ही बता यार, मैं क्या करूं? तेरे पास रात भर का? हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो हाउ आर यू? अब क्या करूं, अभी मेरा टाइम। तैयारी कर, रात भर तैयारी करता हूं ना। टाइम है तेरे पास रात भर का? चल, अच्छा तेरी तो आ गई है ना। ओके, चल बाय। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बाय। बाय। थैंक्स। सो क्या है, देखते भी नहीं हो। तुम्हें तमीज नहीं? क्या कपड़े पहनती हो तुम? हाँ? कितनी अच्छे से तू पहना है। क्या है, क्या है, क्या है ये? तुम्हारे लिए तो रोल नंबर क्या है तेरा? 9। मेरा 10। और सीट नंबर? आई नो डैट यू आर 10। यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती है। ऑफ कोर्स, मरते दम तक नहीं छोड़ने वाली। ए, अभी तो निकल। मेरा ये ना दिमाग खराब हो जाता है, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। अभी तो निकल। क्या दिमाग खराब होता? अरे, तू होती पढ़ाई है में तो ध्यान लगा नहीं चाहिए ना। तैयारी करनी है, अभी तू जा। क्या पास में, बोलो ना। चल जाके मिस कॉल देना मुझे। नहीं दूंगी, बहुत ज्यादा अकड़ दिखाते हो तुम। अच्छा, खड़े खड़े मुस्कुरा। जा रही हूँ, डैडी वैसे भी मेरा इंतजार कर रहे हैं घर पे। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। बाय। बाय। छोड़, हाँ छोड़, मुझे ले जाएगी क्या घर पे? छोड़। बाय। घर पहुंच के मिस कॉल देना। और क्या ले भाई? आ जा भाई, आ जा, आ जा। नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा, बस आ रही है। अरे नहीं भाई, मैं बस से। अरे भाई, अच्छा ठीक है, बैठ बैठ बैठ। और क्या हाल है भाई, सब ठीक ठाक? क्या चल रहा है लाइफ में? क्या बोलता है गुरु? बस यार, निकल। बोल, आगे का प्लान क्या है? बस यार, डॉक्टरी खत्म हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस। तो कब से सोचा है डॉक्टर बनने के लिए? अबे सामने देख। ए चल, लाइसेंस निकाल। नाकाबंदी। हाँ हाँ, इसमें तो। हाँ, तू क्यों टेंशन लेता है? तू क्यों टेंशन लेता है? ए रुक रुक रुक, गाड़ी किधर ले जा रहा है? रुक। निकलो बाहर, चलो बाहर निकलो, इन्हें चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, चलो। तेरे को अलग से दावत देनी पड़ेगी क्या? चल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल इसे। हमारा कसूर क्या है? मैं बताऊं तेरे को तेरा कसूर? अभी बताता हूं तुझे, ठहर, बाहर निकल उसे। सर, हम लोग, मैं बताऊंगा तुझे तेरी बेगुनाही। गाड़ी की तलाशी लो, देख गाड़ी की तलाशी लो। साहब कुछ नहीं मिलेगा साहब, देख अभी पता लगेगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तलाशी लो, देख क्या ये, देखिए लेके आई से, इधर लेके आई से, क्या ये? कुछ नहीं है साहब ये। क्या ये? मुझे नहीं पता सर, मैं बस के लिए वहाँ।
क्या ये? क्या ये? I don't know. Drugs? Sir, I am a medical student. If you don't believe me, you can ask my sir, Mr. Sharma. कल मेरा पेपर है. Medical student है तू? चला थाने में चल के पेपर देना अपने. ले चलो इसे. How can you touch me like that? चलो बताओ कौन कौन लोग शामिल हैं इस ड्रग्स रैकेट में. कहां कहां सप्लाई करते हो ड्रग्स? आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट. ये इन लोगों ने सिर्फ मुझे लिफ्ट दी, ये कसूर है मेरा. मैं कितनी बार कहूं कि मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट. आजकल पढ़े लिखे लोग ही हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं. सिविल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, अक्षरधाम और संसद पर हमला करने वाले जाहिल लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले ट्रेन पायलट थे. दिस इज अ न्यू फेस ऑफ टेररिज्म. व्हाट? व्हाट डू यू से? दिस इज न्यू फेस ऑफ टेररिज्म. मैं आपको टेररिस्ट दिखाई देता हूं. मैं कितनी बार आपको कहूं कि मैं टेररिस्ट नहीं हूं. मेरी गलती सिर्फ यह है कि इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी. मैं इन लोगों को जानता तक नहीं कि लोग क्या करते हैं. सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे मोहल्ले के आसपास ये लोग रहते हैं. आप मुझे टेररिस्ट बोल रहे हैं? अब ये सारी बातें अदालत में बोलना. क्या होगा, कैसे होगा, सब अदालत फैसला करेगी. अदालत क्या करेगी? मैं गुनहगार नहीं हूं. क्या कर लेगी अदालत मेरा? आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट. आई एम एजुकेटेड पर्सन. न्यू फेस ऑफ टेररिज्म. व्हाट डू यू वांट टू से? न्यू फेस ऑफ टेररिज्म. मैं टेररिस्ट दिखाई देता हूं आपको. न्यू फेस ऑफ टेररिज्म. आप मेरी डिग्री देखिए. आप पहले से पहले बोल पड़ेगी मैं टेररिस्ट हूं. हैं? मैं आइडेंटिटी कार्ड दिखाना चाहता हूं आपको. मेरा जो मोबाइल है जो आपके पास है उसमें नंबर देखिए कि कौन कौन से नंबर है. आप सबसे कॉन्टेक्ट कीजिए. न्यू फेस ऑफ टेररिज्म. बोलने से पहले आपको समझना चाहिए सर. टेररिस्ट बोल रहे हैं आप. एक शरीफ आदमी को टेररिस्ट बोल रहे हैं आप. कुछ भी किसी में भी इल्जाम डाल देते हैं. आई एम नॉट ए टेररिस्ट. कहां है मेरा बेटा? किसी की भी जिंदगी खराब कर कहां है मेरा बेटा? कितने लोगों ने बोला मुझसे कि टेररिस्ट बना के साले को अंदर खत्म कर देते हैं. इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा है? कौन है आप लोग? किससे मिला है आपको? सर, मैं लतीफ की बहन हूँ और ये हमारी माँ है. नहीं मिल सकते, मुजरिम है वो. बहुत सीरियस चार्जेज हैं उस पर. नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हो गई है सर. मेरा भाई मुजरिम नहीं हो सकता है सर. तो आपको क्या लगता है, झूठ बोल रहा हूँ मैं? ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा है हमने उसे. ड्रग्स सप्लाई करता है वो. मेरा भाई ये नहीं कर सकता. जिस इंसान को नशे से इतनी नफरत हो वो ड्रग्स कैसे सप्लाई करेगा सर? हर मुजरिम का रिश्तेदार यहाँ आकर यही कहता है क्योंकि उसे हकीकत का पता नहीं होता. सर, मेरी माँ दिल की मरीज है. बड़ी मुश्किल से वो लतीफ भाई से मिलने आई. प्लीज एक बार लतीफ भाई से मिल लेना मुझे. मिल लीजिएगा, लेकिन यहाँ नहीं, कोर्ट में. आगे जो भी फैसला करेगी अदालत करेगी. क्या हुआ तुम्हें? चलो मेरा बेटा, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाते हैं. माँ लतीफ. तमाम सबूतों और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम लतीफ का ताल्लुक ड्रग सप्लाई करने वाले रैकेट के साथ साबित होता है. लिहाजा यह अदालत मुजरिम लतीफ को 7 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है. 7 साल मैं जेल में रहा और एक बार भी अम्मी जान मुझसे मिलने के लिए नहीं आई. मुझे बहुत घबराहट हो रही थी. चारों तरफ अम्मी का चेहरा दिखाई दे रहा था. अजीब सा लग रहा था. यहां वहां सब जगह चेहरा दिखाई दे रहा था अम्मी का. ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी बहुत दूर चली गई मुझसे. मैं उनके लिए दुआएं मांगता था रो रो के.
एक रात अचानक जब मैं उनके लिए दुआएं मांग रहा था तो मेरी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो पाया कि पुलिस वाले मुझे गाड़ी में बिठाकर कब्रिस्तान ले गए। वहां जाके देखा तो पता चला कि अम्मी जान गुजर चुकी है। सब लोग मुझे नफरत भरी निगाह से देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई नाली का कीड़ा हूं। बस उसके बाद मैं वापस जेल में, दिन गुजरते गए। जब मेरी सजा खत्म हुई तो मैं जेल से निकला। जेल से निकलने के बाद सबसे पहले मैं उस फूल के पास गया जो किसी और गुलशन का बाहर बन चुकी थी। मोहतरमा, आपके पैरों के ऊपर से मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। आपके पांव देखे बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, जमीन मैली हो जाएगी, समझी? वाह क्या शायरी है। हम तो राजकुमार हैं जानी। आना चिकने, अरे आता क्यों नहीं है? कहाँ गया रे भड़वा? क्या हुआ रे? मैं सोची अंदर हार डाल के मजा मारा, साला पैसे निकाल के लेके गया। हरामी साला। वो इधर गया। उधर गया? अभी देखती हूँ भड़वे को। इधर आना। ए, क्या रे? कुछ नहीं। ए, क्या रे शाने, इधर क्या पुलिस वालों की तरह ताक झांक कर रहा है? नहीं, वो ऐसे ही बस थोड़ा सा। क्या? एक्चुअली मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना है? चल आगे पूछ। चल ना। क्या रे, तेरे को पता नहीं यहाँ देखने का भी पैसा लगता है? क्या चाहिए तेरे को? बोल, तेरे को क्या बोलना है? बोलना कुछ नहीं, मैं दूसरे काम के वास्ते आया था। दूसरा काम? इंग्लिश पिक्चर देखता है क्या? दूसरा काम इधर नहीं होता, दो गली छोड़ के तीसरी गली चला जा। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं मेरा। मेरा नाम लतीफ है। लतीफ? मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम नरगिस है। तो नरगिस जी, क्या बताया, क्या नाम बताया अपना? मेरा लतीफ। तू इधर ही ठहर, मैं अभी आती। ठीक है। बाहर लतीफ आयला है। कहीं ये वोइच तो नहीं जिसके बारे में तूने बताया था? तुझे कैसे पता कि वो वही है? क्योंकि उसकी चाल ढाल को देखकर लगता है कि वो वही है, और उसने अपना नाम भी लतीफ बताया है। क्या करेगी अभी? तू कहे तो भेज दूं। बोल दे उसे कि हम नहीं हैं यहाँ। देख, वो वैसे भी टूटेला है, मैं उसको और ना बोलकर नहीं तोड़ेगी। जो बोलना है तू ही बोल, अभी मैं उसको अंदर भेज देती। ठीक है, भेज दे। ठीक है, मैं उसको अंदर भेजती। जा, तेरे को बुलाती। जाऊं? क्या है रे, बोल कितने देर ठहरने का?
एक घंटे का 500, दो घंटे का तो 1000। क्या? अबे ओए, सुना नहीं तूने? एक घंटे का 500, दो घंटे का 1000 और फुल नाइट का 5000। बोल, है पैसे? तो निकाल बना, चल कल्टी हो जा। तू मेरी फूल नहीं हो सकती, शायद मैं गलत जगह आ गया। बाहर यार मेरी तरफ भी देखो, है चांद और सितारों। क्या हुआ? जख्म में क्या हुआ तेरे को? तेरी सेटिंग हो गई क्या? करवट। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? कुछ हादसे भी मेरे राह चल रहे हैं, अंदाज बदल डाला, अंदाज बदल डाला, अंदाज बदल डाला, अंदाज बदल डाला, अंदाज बदल डाला। बहुत बहुत प्यार करता था मैं उसको, बस फिर क्या था, अपना गम भुलाने के लिए, लोगों की नफरत भरी निगाह से बचने के लिए, अपने दुख को भुलाने के लिए मैंने इस पुड़ी का सहारा ले लिया। पुड़ी, कैसी लगी मेरी स्टोरी? झूठी? काश ये झूठ होता। वाकई तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, जिसकी वजह से आज तुम लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। थोड़ा पानी मिलेगा? क्यों नहीं, एक मिनट। घबराओ नहीं दोस्तों, लो पानी पियो। मैं तुम लोगों को पकड़ना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ उस गिरोह को पकड़ना चाहता हूं जिनके तुम सब शिकार हो। बाय द वे, मैं तुम लोगों का बीता हुआ वक्त तो लौटा नहीं सकता, लेकिन हां, मैं अपने सीनियर से तुम लोगों के बारे में बात करूंगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाला कल तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आए, तुम लोग दोबारा एक नई जिंदगी जी सको। अरे नहीं हो सकता ये। हो सकता है। नहीं हो सकता। हो सकता है लतीफ, हो सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि आज से तुम लोग कोई नशा नहीं करोगे। थैंक यू। सॉरी। थैंक यू लतीफ, बैठो। हमें आदत लग चुकी है, इसके बगैर अब गुजारा नहीं। निकालो पुड़िया, निकालो रीना, सारी पुड़िया मुझे दो। लतीफ तुम भी दो, सारी पुड़िया मुझे दो। देखो प्यार से कह रहा हूं ना। नहीं, नहीं। और दो कहां है? देखो तुम्हें पता है ना पुलिस कैसे मारती है, पता है ना, जिद नहीं करते। तुम भी लाओ लतीफ। है ही नहीं मेरे पास। हाँ है, है। लाओ मुझे दो। सर इसने उठा ली पुड़ी। अजीत, मैंने कहा ना कि आज से नशा नहीं करोगे।
एक फौजी और नशे का गुलाम, मैं वादा करता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कमिश्नर साहब से मिलकर आता हूं, तब तक तुम लोग नहा धो लो, कुछ खा लो, ठीक है? मेरी हालत बिगड़ रही है, अगर मुझे पुड़ी नहीं मिली मैं तो मर जाऊंगा, अगर मुझे पुड़ी नहीं मिली मैं तो मर जाऊंगा, मैं क्या करूं? अभी कुछ नहीं हो सकता, जब तक वो एपीसी क्या एसीपी साहब नहीं आ जाते हमें यहीं रहना पड़ेगा, और दूसरा तरीका, चल चले यहां से, चलना, अरे चलना यार, चल। देखो कुलकर्णी सर, पहले तो वो तीनों भाग गए हैं तो कोई बात नहीं जी, उनको ढूंढो और सर मेरे पास लेके आओ सर, ओके सर, जाओ, जय हिंद सर। सर मुखबिर अली, एमएलए पाटिल और उनके कत्ल का चश्मदीद गवाह उनका नौकर और जीत कलसीवाल, ये सब के सब हमें ड्रग माफिया के बारे में जानकारी देने वाले थे, और ये जितने भी लोगों का मर्डर हुआ है ये सारे के सारे एनडी अग्रवाल और डोंगरी के खिलाफ थे। इसका मतलब ये कि नारायण दत्त अग्रवाल ही इस जुर्म की एक मेन कड़ी है। सर आप मुझे उसे अरेस्ट करने की परमिशन दीजिए। देखो सावंत, नारायण दत्त अग्रवाल बहुत पहुंच वाला है, मंत्री है, पूरे सबूत के साथ उस पे हाथ डालना वरना हम भी जाएंगे और हमारी नौकरी भी जाएगी। नौकरी की परवाह किसे है सर, फिक्र है तो देश की और देश के नौजवानों की। सर मैं वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर एनडीए के खिलाफ आपसे अरेस्ट वारंट लेने के लिए आऊंगा, नहीं तो अपना इस्तीफा देने के लिए आऊंगा। मुझे तुम्हारा इस्तीफा नहीं चाहिए, तुम्हारा काम चाहिए, और जहां तक उसके अरेस्ट वारंट का ताल्लुक है वो कल सुबह तुम्हें मिल जाएगा, राइट? थैंक यू सर, जाइए। जय हिंद सर, ऑल द बेस्ट। पांडे। यस सर। ये देख असली कोल्हापुरी, खाने में अच्छे अच्छों की फाड़ देती है, तावड़े समझ गया ना? समझ गया साहब। अबे ये देख गणपत, उतार साले की पैंट। अभी उतार के नंगा करता हूँ साले। सावन साहब बताता हूँ ना, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। आ गया ना लाइन पे। ये मात्रे कहाँ गया? भाई फोन आया था, आइटम के पास गया है। वो ठीक है लेकिन उसका फोन बंद क्यों आ रहा है? भाई फोन बंद रखना पड़ता है, फोन बचेगा तो आइटम कैसे बचेगी? ले, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। किधर था बे? अबे बोलता क्यों नहीं है? भाई ऐसा लगता है इसने उसकी नहीं, उसने इसकी बजा दिया। अबे साले किसको लेके आया साथ में तू? पुलिस वाले के साथ हो गया तो मात्रे। खैर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है भाई? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ले चलो ने सबको। चल 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 चल।
बस बहुत हो गया, चल। चला। एसपी सावन ने ड्रग माफिया जाफर डोगरी को सारे सबूतों के साथ उसके अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सावन ने उसके अड्डे से मिले हुए नशीले पदार्थों को भी अपने कब्जे में कर लिया है। सावन का कहना है कि जल्द ही कानून के हाथ इन सभी ड्रग माफियों को शेल्टर देने वालों की गर्दन पर होंगे। सावंत। जय हिंद सर। ऑपरेशन एनडीए स्टार्ट करो। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन नारायण दत्त अग्रवाल। हाँ, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। ये सिलसिला इस देश में अब कहाँ बंद होने वाला है? भारत वर्ष को लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ही जानते हैं। पासपोर्ट वगैरह सब रख लिया ना? जी सर। कोई भी फोन आए, मैंने जैसा कहा है वैसा ही कहना। ठीक है सर। चलो। सावंत, तुम इस वक्त यहाँ क्यों? आप भूल गए सर, मैंने कहा था कि एक दिन दोबारा आऊंगा, इस बार आपको लेने आया हूं। बाइज्जत, अरेस्ट वारंट के साथ। किस जुर्म में? दिव्या, तुम और कौन कौन से जुर्म गिना हो? आनंद कलसीवाल का, जीत या पाटिल का? वैसे भी सफेद कपड़े पहनकर सफेद गाड़ी में घूमने वाले, जब ये काली करतूतें करते हैं ना, तब बहुत नफरत होती है। डायलॉग अच्छा बोल लेते हो, लेकिन सबूत क्या है? वही, आपका पाला हुआ पिस्सू। डूंगरी चले। आइए सर। इस वक्त हम खड़े हैं मंत्री नारायण दत्त अग्रवाल के घर के बाहर। पुलिस एसीपी सावंत ने उन्हें यहीं से गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर ड्रग्स माफिया जाफर डोंगरी के साथ मिलकर शहर में ड्रग्स ट्रैफिकिंग फैलाने के अलावा 3 कत्ल की साजिश में शामिल होने का आरोप भी है। पुलिस उन सभी आरोपियों की छानबीन कर रही है। अब हमें ये देखना है कि न्याय जनता को मिलता है या फिर नेताजी को। मैं श्रुति सिंह, कैमरामैन गौतम सिंह के साथ खबर इंडिया मुंबई। देखिए मैडम, परेशान मत होइए, हम लोग भी सर्च कर रहे हैं और इस मैटर को हम लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं। सर। सर, मेरे भाई लतीफ का कुछ पता चला? कुलकर्णी को फॉलो कर। सॉरी सर। जय हिंद सर। ये लतीफ अभी कहाँ मिलेगा? सर, अरब गली के झोपड़पट्टी के कचरे के ढेर में सर। तीनों को मैंने कुछ देर पहले वहीं देखा है सर। अच्छा, एक काम करो, हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं, तुम वहीं। ओके सर। ओके, चलिए। देखे थे कितने सपने, किस्मत ने क्या कर डाला। देखे थे कितने सपने, किस्मत ने क्या कर डाला। जीने का जमाने ने अंदाज बदल डाला, 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 बदल डाला। अफसोस जो न करना था काम वो किया है, मैं बेकसूर था, मुझे
मुजरिम बना दिया है। नफरत का जहर दुनिया ने दिल में भर दिया है। नफरत का जहर दुनिया ने दिल में भर दिया है, मर मर के जीने पे मजबूर कर दिया है। वहशी समाज तुझको अब जाके हमने जाना, तूने वो गम दिए के हम भूले मुस्कुराना। इस जिंदगी ने हमको बेवक्त मार डाला, जीने का जमाने ने अंदाज बदल डाला। मैं नारायण दत्त अग्रवाल ये शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय संविधान, संप्रभुता और स्वायत्तता के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखूंगा और उसका सम्मान करूंगा। जय हिंद, जय भारत। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज तक किसी भी नेता को किसी भी केस में सजा नहीं हुई। बार के सुट्टे दुनिया के हम सारे गम भूले, दुनिया के सारे गम भूले, दुनिया के सारे गम भूले, भूले भूले दुनिया के सारे गम भूले, दुनिया के सारे गम भूले। सारे गम भूले, दुनिया के सारे गम भूले, दुनिया के सारे गम भूले।